So now let us start. Today's topic is your cell reference. Clear? आज के टॉपिक का नाम क्या बोलो? सेल references. Now basically Excel has different types of cell reference, जिसमें कि सबसे पहले मैं सेल reference का नाम लिखता हूँ. क्या बोलो? Relative cell reference. Now we have a second option, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे absolute. क्या बोलो? एब्सोल्यूट. नाउ वी हैव अ थर्ड टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलो? मिक्स्ड सेल. देन वी हैव अ फोर्थ टाइप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर सेल रेफरेंस. एंड वी हैव अ फिफ्थ ऑप्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? 3D सेल. So Excel has relative cell reference, absolute, mix, circular and 3D. Even intersheet भी references use किए जाते हैं. Clear now? चलो अब इसको try करके देखेंगे ये work कैसे करता है. Let us start with the examples. ये कैसे work करता है. Clear now? Now किसी ने पूछा, sir by default, क्या पूछा? By default. करेक्ट. बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन ए रिलेटिव सेल रेफरेंस. किधर? रिलेटिव सेल रेफरेंस. इज इट क्लियर? नाउ इसके लिए हम एक डेटा डिजाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव अ क्वांटिटी रेट, और यहां पे हमने दे दिया टैक्स. क्या दे दिया? इज इट क्लियर? और इसके ऊपर टैक्स के जगह पे मैं जीएसटी दे देता हूँ. दैट विल बी मोर बेटर. क्या रेट से चार्ज होगा जीएसटी? 18%. लेकिन ये जो जीएसटी चार्ज होगा 18%, ये सिर्फ एक आइटम में होगा या हर एक आइटम में? हर एक आइटम पे चार्ज होना चाहिए. यस और नो? मतलब जीएसटी हमें जो चार्ज करना है वो हर एक ऑप्शन, हर एक आइटम पे क्या चार्ज करना है बोलो? जीएसटी. इज इट क्लियर? So, अब मैं चाहता हूं कि जीएसटी चार्ज करना है मुझे. करेक्ट. क्वांटिटी इनटू रेट पे यहां पे लिख देते हैं प्रोडक्ट. क्लियर? प्रोडक्ट का नाम. चलेगा? क्लियर ना? इसमें हमारा कोई कैलकुलेशन नहीं, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. आई रिपीट, जस्ट फॉर. अब यहां पे कैलकुलेशन करता हूं गाइस. क्या करता हूं? कैलकुलेशन. अब मुझे यहां पे टोटल रिक्वायरमेंट है, दैट इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? क्वांटिटी इनटू रेट प्लस क्या बोलो? क्वांटिटी इनटू रेट इनटू. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? अगर मैंने क्वांटिटी वन किया तो देखो अमाउंट कितना आ गया, 1118 रुपीज. करेक्ट. तो इसमें रिलेटिव क्या हुआ सर? अगर हमने यहां से क्वांटिटी डिलीट कर दिया, या फॉर एग्जांपल मैं किसी भी बंदे का यहां पे जीएसटी निकाल देता हूं, तो क्या ये कैलकुलेशन हो रहा है क्या? इसका मतलब ये कैलकुलेशन के लिए रिलेटिव होना चाहिए. इसके नेबरिंग सेल में क्या होना चाहिए? वैल्यू. क्या बोलो? नेबरिंग सेल में वैल्यू. अदरवाइज मैंने इसे डिलीट कर दिया, कैलकुलेशन हो रहा है? नहीं. बिकॉज क्या नहीं है? रिलेटिव सेल में वैल्यू नहीं है. इज इट क्लियर? क्या नहीं है रिलेटिव सेल में? ओके. और एक एग्जांपल देखते हैं. आइए समझ में आइए. ओके, लेट्स हैव अ टेबल. क्या सीखते हैं? टेबल. आप में से कोई ऐसा है जिसे 2 का टेबल आज भी याद है? आई नो इट इज डिफिकल्ट, बट फिर भी कोई तो ऐसा होगा हमारे पास, है ना? कोई ऐसा टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं जिसे 2 का टेबल याद है? नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो जवाब दो गाइस. हाँ सचिन याद है, बोलो. अरे 2 का टेबल किसी को याद ही नहीं है. दिस इज वेरी बैड. करेक्ट. याद रखो, लाइव आप लोग दिखाई देंगे, सबकी फोटो लूंगा और मुंबई यूनिवर्सिटी को भेज दूंगा. फिर से रीएडमिशन करो जूनियर और सीनियर कॉलेज में.
सो लेट अस स्टार्ट विद द टेबल ऑफ टू. करेक्ट, टू के टेबल में हम ऑलवेज क्या करते हैं गाइस, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट. लेकिन ये टू जो रहेगा वो हमेशा क्या रहता है, ये फिक्स. तो अब मैं यहाँ पे भी ना इसे ड्रैग कर लेता हूँ. ओके, क्या कर लिया गाइस, ड्रैग कर लिया. नाउ व्हेन आई डूइंग दिस कैलकुलेशन, अब हम लोग कर रहे हैं टेबल ऑफ टू मल्टीप्लाइड बाय वन. सो एक आ गया, अगर मैं ड्रैग करूंगा तो ये बाकी के सारे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ जाते हैं. करेक्ट, नाउ ये सारे कैलकुलेशन क्या बोलो, ऑटोमेटिक आ जाते हैं. ये कैलकुलेशन सर ऑटोमेटिक कैसे आ गए, क्योंकि हमने हर एक सेल को मल्टीप्लाई किया इसके साथ में. क्या किया है, हर एक सेल को मल्टीप्लाई किया हुआ है. समझ में आई बात. अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेट सी द बैकग्राउंड, इसके पीछे हमारा फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है. जरा देखो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, B22 दैट इज दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ C. मतलब हर एक सेल एक दूसरे सेल से मल्टीप्लाई हो रहा है. क्या हो रहा है, हर एक सेल दूसरे सेल से मल्टीप्लाई हो रहा है. इसीलिए हम इसे बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस. अरे क्या बोलते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस. समझा गाइस, क्या नहीं समझा, करेक्ट ना हो. तो इस रिलेटिव सेल में हर एक वैल्यू एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है. क्या होती है, हर एक वैल्यू एक दूसरे से मल्टीप्लाई. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये वैल्यू किसका किसके साथ मल्टीप्लीकेशन. सो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिकॉज ये वैल्यू क्या है, रिलेटिव. इज इट क्लियर, ओके. चलो इसके कंपैरिजन में यहीं पे इसके बाजू में, करेक्ट ना, नेक्स्ट टू दिस, अब मैं रिलेटिव के जगह पे इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ. क्या कर देता हूँ, रिलेटिव के जगह पे एब्सोल्यूट. सो लेट मी कॉपी दिस, इज इट क्लियर. इसे क्या कर रहा हूँ बोलो गाइस, कॉपी करके विल गो फॉर एब्सोल्यूट. क्लियर नाउ, रिलेटिव देखा ना आपने, ओके. सो अब मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ. क्या करता हूँ, सेम डेटा कॉपी करके यहाँ पे आ गया. विल अंडरस्टैंड विद द नेक्स्ट वन. कौन सा, हम जाएंगे रिलेटिव के बाद वी हैव अ नेक्स्ट ऑप्शन, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. आई होप दिस इज क्लियर. रिलेटिव देखा, अब देखेंगे जरा एब्सोल्यूट. बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन. ओके, लेट मी डू इट वंस अगेन. नाउ यहां पे अब देखो आपके पास ये 18% फिक्स है. सो ये बार बार हम लोग रिपीटेशन नहीं करते, एक ही बार लिखते हैं गाइस. कितनी बार, एक बार. इक्वल टू क्वांटिटी इंटू, अरे व्हाट, क्वांटिटी इंटू प्लस अगेन क्वांटिटी इंटू रेट इंटू 18%. लेकिन अगर मैंने इसे ड्रैग कर दिया तो क्या सबका 18% आ रहा है, नहीं. क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने सब जगह 18%. ओके, इसका मतलब मैं ये करना चाहता हूँ, ये 18% को मैं फिक्स करना चाहता हूँ. क्या करना चाहता हूँ, फिक्स. सो हम यहाँ पे जाते हैं जहां पे आपने लिखा हुआ 18%. करेक्ट नाउ, इट कंसिस्ट ऑफ E36. क्या लिखा है, यहां पे क्लिक करके प्रेस F4 साइन वंस. कितनी बार F4 प्रेस किया, एक बार, एंटर. सर इससे क्या हुआ, ड्रैग करके देखो अपने आप समझ में आ जाएगा. क्या हुआ नहीं, कैलकुलेशन हुआ. और एक बार समझते हैं, लेट मी डू इट वंस अगेन. अब इस कैलकुलेशन में आपने बोला सर ये जो टेबल ऑफ टू है ना, इसी टू को हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे. इज इट क्लियर, यस और नो. अब मैंने यहां पे इक्वल टू किया और मैंने बोला ये टू लेना सर, दिस टू इज मल्टीप्लाइड विद वन. सर फर्स्ट आंसर आ गया, अब मैं ड्रैग कर रहा हूं तो ये बाकी के आंसर क्यों नहीं आ रहे, यस क्यों नहीं आ रहे, टेल मी. फिक्स गाइस, अगर मैं इसके बैकग्राउंड में जाके चेक करता हूँ जरा क्या चल रहा है, ये इंटरनल आर्किटेक्ट इसका क्या काम कर रहा है ये. सो जरा यहाँ चेक करो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये किसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई, दैट इज A50 का मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, सी. और C46 में वैल्यू क्या है जरा वो पढ़ो, और A50 में वैल्यू क्या है. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई एनीथिंग बाय जीरो तो रिजल्ट, नहीं समझा, करेक्ट ना. तो आप इसे क्या करेंगे, आप ड्रैग करके चाहो ना तो इसको ऐसा इधर लेके जाओ, एग्जैक्टली उसका वैल्यू कहाँ पे है उधर रख दो. इज इट क्लियर, क्या किया मैंने, नीचे आया था ना, देखो एक बार वापस ये सेल इधर आ रहा है, ड्रैग करके ऐसे इधर लेके जाओ,
जहां पे उसकी वैल्यू है। लेकिन सर एक बार ड्रैग करना इजी है, दो बार ड्रैग करना इजी है, हर बार ड्रैग करना मेरे लिए इजी। मेरी बात कुछ समझ में आ गई या नहीं आई? अब ड्रैग करने से क्या हुआ जरा वो भी देख लो आप। आई रिपीट, ड्रैग करने से क्या हुआ? देखो इसका वैल्यू आया, बाकी का वैल्यू। लेकिन सर एक का ड्रैग किया, क्या ऐसा हर एक का ड्रैग करेंगे हम? यस और नो? तो हमें कुछ तो नया टेक्निक मेथड, यस और नो? सो अभी न्यू मेथड के लिए हम क्या यूज करते हैं जरा वो देखो आप। ये पता चल गया सर ऐसे आंसर आने वाला नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड विद द न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इक्वल टू, और ये सेल को मैंने F4 कर दिया, क्या कर दिया? मल्टीप्लाइड किसके साथ? ये डेटा। एंटर। अब आप ड्रैग करो, देखो आपके बाकी के आंसर क्या हो गए? नहीं आए क्या सर? अभी क्यों आया? जरा इसके इंटरनल आर्किटेक्ट को देखो वापस। सो इंटरनल आर्किटेक्ट में आप इधर देखेंगे क्या लिखा है, ये A46, 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 मतलब A46 को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, फिक्स फिक्स। और चेंज क्या हो रहा है? सी वाला वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन ये वाली वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। सो दैट इज द रीजन कि हमें यहाँ पे आंसर में क्या दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ? यही डेटा अगर आप चेक करना चाहो तो मैं यहां से भी इसे पूछता हूं, कौन से सेल का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है? दैट इज दिस सेल इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ, समझ में आई बात? सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलो? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। क्या था एग्जांपल? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। नाउ विल गो बैक टू द थर्ड एग्जांपल, आई गेस क्लियर एवरीवन। हम जाएंगे हमारे थर्ड एग्जांपल के पास, किधर? दैट इज नोन एज व्हाट? मेक सेल रेफरेंस। आई होप क्लियर एवरीवन। नाउ थर्ड एग्जांपल इज मेक सेल रेफरेंस, क्लियर? सपोज यहां पे मैं ले लेता हूं, क्या लिया हम लोगों ने? क्या लिया? इज इट? ये कंपनी के कुछ शेयर्स के वैल्यू देता हूं, फॉर एग्जांपल ये उनके चार्जेस हैं, क्या है ना? ऐसे अलग अलग चार्जेस हैं, या टेलीफोन चार्जेस कंसीडर करो आप, दैट कैन बी एनीथिंग गाइस, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओके, या ये टेलीफोन के चार्जेस कंसीडर कर लो आप। अरे क्या कंसीडर कर लिया? टेलीफोन चार्जेस। और यहां पे मैं लिखता हूं जितने मैंने कॉल किए, क्या लिखा? कॉल मेड। मैंने यहाँ पे 1 कॉल किया, यहाँ पे 100 किया, यहाँ पे 1000 किया, और यहाँ पे 10000 किया, ऐसे लाइक दिस। आई मेड अ नंबर ऑफ कॉल्स, आई मेड नंबर ऑफ कॉल्स। नाउ आई वॉन्टेड टू कैलकुलेट कि किस पर्टिकुलर कंपनी के कॉल्स कितने हैं टोटल। गाइस हमें क्या चाहिए? नाउ हर एक कंपनी के कॉल के हिसाब से इसका टोटल। क्लियर? समझा क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन नहीं समझा? अब यहां पे हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेशन क्या करना है? ओके, सो कॉल के रेट हमें यहां पे मिल गए, और कितने कॉल किए वो यहां पे मिल गए, इसको 10 कर देता हूं। ओके, इज इट क्लियर? नाउ इसे स्टार्ट करने के पहले यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि रेफरेंस के बारे में, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक सेल लेता हूं जिसका नाम है A5। गाइस क्या लिखा? A5। A5 से क्या समझ में आया? कैन एनी वन टेल मी वॉट डिड यू अंडरस्टैंड विद दिस A5? A5 का मतलब क्या बोलो भाई? A5 का मतलब पूछ रहा हूं, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। हाँ, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे कुछ तो बोलो, किसी को समझ में आया A5 का मतलब क्या? नहीं? अब नहीं आया तो मैं ही बताऊंगा, डोंट वरी, बट बताते तो थोड़ा अच्छा था, है ना?
लेकिन कुछ नहीं कर सकता। क्लियर। अब यहां पे चलते हैं A5 में। सो बेसिकली योर A5 इज कंसिस्ट ऑफ, A5 इज कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, रो। क्या होता है इसके अंदर, कॉलम, करेक्ट ना। और इसमें होता है, तो इसके पास क्या क्या है बोलो, रो कॉलम और सेल्स। अब इसके अंदर रो कौन सा है गाइस, 5, कॉलम कौन सा है, ए, और सेल कौन सा है, सेल भी तो है ना, सेल कौन सा, क्लियर हुआ। जब आपका डेटा जो आप एंट्री कर रहे हैं, क्या बोलो, जब आपका डेटा एंट्री कर रहे हैं, अगर वो एंट्री रो में हो रही है, किधर, तो रो में अगर हो रही है तो आपको रो नंबर के पहले डॉलर साइन लगाना है, किधर, रो नंबर के, और अगर आपकी एंट्री कॉलम में हो रही है तो डॉलर साइन कॉलम के पहले लगाना है, डॉलर साइन, और अगर आपकी एंट्री सेल में हो रही है तो डॉलर साइन रो के भी पहले लगाना है और कॉलम के भी पहले लगाना है, बिफोर बिफोर, गाइस समझा, अरे बोलो। और अगर ये मैन्युअली नहीं देना है तो शॉर्टकट में बोलने का F4, क्या बोलने का, F4 और वन टाइम, इज इट क्लियर। और अगर ये कॉलम में शॉर्टकट से देना है तो F4 कितनी बार, और अगर रो में देना है तो F4 कितनी बार, भाई समझा, अरे समझाया नहीं। सो अगर हमें सेल को लॉक करना है तो डॉलर साइन कॉलम और रो के पहले आना चाहिए, करेक्ट, और वो भी F4 कितनी बार, एक बार। और अगर कॉलम को लॉक करना है तो F4 तीन बार, है ना, कॉलम के पहले, इधर आ जाते हैं। रो को करना है तो, इज इट क्लियर। अब इसके बिहाफ में यहां पे जरा ट्राई करते हैं। अब यहां पे मैंने कुछ डेटा दे दिया है, क्या दे दिया है, डेटा, क्या ये डेटा में अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो इक्वल टू, मैंने बोला आई रिपीट इक्वल टू ये अमाउंट, करेक्ट ना, जिसे कम दिख रहा है थोड़ी सी जूम कर देता हूं, करेक्ट। और अगर अभी भी नहीं दिख रहा है इसका मतलब मेरी नहीं, आपको डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि इससे ज्यादा जूम अगर आपको दिखाई दे रहा है मतलब प्रॉब्लम आपके अंदर है। सो लेट अस अंडरस्टैंड, इक्वल टू कहां पे गए, मल्टीप्लाई कर दो सर, इसका किसके साथ, हमने किसी को लॉक किया है क्या अभी तक, नहीं सर, एंटर, देखो कितना पैसा आया सर, सही आया क्या गलत, अब मैं ड्रैग कर रहा हूं, ड्रैग लाइक दिस, क्या ये सही आया क्या सर, 10 कॉल किया तो 0.2 पैसा और 100 किया तो ये बंदा 10 में नहीं अब बोलेगा, हमेशा 100 कॉल करूंगा, अरे समझ में आया, लेकिन 1000 कॉल किया तो यहां पे देखो, कुछ बात समझ में आ रही है सर, प्रॉब्लम क्या है यहां पे, जरा ये चेक कर दें, प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे यहां पे जा रहे हैं 0.2 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है इसके साथ, ये 1000 का मल्टीप्लाई, मतलब हर एक सेल एक एक करके नीचे शिफ्ट हो गए, किधर सर, लेकिन ऐसा तो नहीं करना है, ऐसा तो, इसका मतलब हम कैलकुलेशन ऐसे नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे सर आप, इक्वल टू यहां पे आ गए, क्या इसको फिक्स कर दूं, F4 प्रेस करके मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इसको भी फिक्स कर दूं क्या, एंटर, अब सही आया, ड्रैग कर लो देखो, नहीं आया सही, क्यों नहीं आया जरा चेक करके देख लो भाई, 4560 मल्टीप्लाई 0.2 क्यों नहीं आया, करेक्ट है आंसर, अगर मैंने यहां पे भी क्लिक किया, करेक्ट, 1000 कॉल किया और एक कॉल का 20 पैसा है तो 1000 का कितना हो गया भाई, बोलो नहीं हो रहा है कैलकुलेशन, इट वर्क्स, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है सर, अगर ऐसा ड्रैग करूं तो, ऐसा समझ में कुछ बात आई सर, अभी क्या प्रॉब्लम हुआ, इधर क्यों नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली ये 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ होना चाहिए था, मतलब जब आप ड्रैग कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है, लेकिन ये तो फिक्स है, और अगर जब मैं ऐसे ड्रैग कर रहा हूं तो ये फिक्स है मगर ये तो चेंज हो रहा है,
कुछ समझ में आया क्या? लेकिन आपका ड्रैग करने का तरीका क्या है सर? मैं ऐसे ड्रैग करूंगा या मैं फिर ऐसे ड्रैग करूंगा, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। बंदा कभी ऐसे भी जाता है और कभी तो करेंगे क्या हम? इसका मतलब दोनों आना चाहिए, यस और नो? इसका मतलब हमें दोनों कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। सो व्हाट आई डिड, इक्वल टू यहां पे क्लिक कर दिया। अब ये डेटा कैसे चेंज हो रहा है, ये कॉलम वाइज कैसे हो रहा है? तो कॉलम के पहले डॉलर साइन, कॉलम का नाम क्या है? अभी तो मैंने यहां पे इतना एक्सप्लेन किया भाई, सेल के अंदर तीन होता है, रो होता है, कॉलम होता है, और तो हम स्पेशली किसको ढूंढ रहे हैं? और कॉलम के पहले क्या होना चाहिए, या फिर इधर आ जाते हैं अपनी जगह पे। अब बताओ क्या करो, F4 1 2 3 आ गया डॉलर साइन, किसके पहले? ए के पहले, मल्टीप्लाई इसके साथ। पर सर ये डेटा तो ऐसे रो में चेंज होने वाला है, इसका मतलब है इसको भी क्या करेंगे, F4 कितनी बार? 2 times, यस। नाउ एंटर। सर अब जरा चेक करो, आइदर आप ऐसे ड्रैग करो या फिर आप ऐसे ड्रैग करो, योर आंसर विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सर जरा इसको चेक करके बताओ किसका किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, जरा देख के बताओ तो। 10,000 का मल्टीप्लाई? नहीं समझा सर? इधर इधर जाते इधर, अरे किधर भी जाओ आप, इट वर्क्स प्रॉपरली। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, यस और नो? लास्ट समझ में आया आप लोगों को? ओके, थोड़ा सा क्विकली और कर देते हैं, रैपिडली, है ना? अरे थोड़ी सी फास्ट। अब सर ये सारा कैलकुलेशन एक साथ में होना चाहिए, वो ड्रैग वाला कॉन्सेप्ट खत्म, एक ही बार में सब आना चाहिए। थोड़ा सा और स्पीड में जाऊंगा, सारे कैलकुलेशन एक ही बार में, जस्ट वन स्ट्रोक में सारे आंसर, इज इट रेडी? करेक्ट ना? ओके, इक्वल टू यहां पे क्लिक किया। अब ये डेटा कैसे फ्लो हो रहा है कॉलम वाइज, सो दैट इज 1 2 3 मल्टीप्लाइड विथ यहां पे आ गया, और 1 2 गाइस जहां पे एंटर करते थे वहां पे करूंगा कंट्रोल एंटर, क्या कर दिया, एंटर के जगह पे माय जॉब इज डन, इज इट क्लियर? सारे कैलकुलेशन हो गए, सो दैट इज नोन एज व्हाट, क्लियर नाउ? सो दिस इज योर मिक्स सेल रेफरेंस। नाउ लेट अस गो एंड फाइंड अनदर एग्जांपल, एक बार और देखते हैं हम लोग, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। करेक्ट, बैक टू योर स्कूल डेज, 1 to 6 का टेबल पढ़ते हैं। अरे किसका टेबल याद आया, 1 to 6 का टेबल? चलो कैसे करेंगे, सेम वही सिनेरियो, नथिंग न्यू, बट सिर्फ 1 to सिलेक्शन। अरे इज इट क्लियर? उसके बाद इक्वल टू यहां पे क्लिक किया, और कितनी बार, 1 2 3 मल्टीप्लाइड विद दिस, क्या बोलो, 1 2 और क्या टेबल आया क्या सही से? नहीं सर थोड़ा डाउट है। अरे किसको डाउट है, कौन है वो? यहां पे आ जाते हैं 5 का टेबल, और अगर मैंने यहां से पूछा किसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 5 into 4 कितना होता है, 90, कौन है वो? हाँ, सो अभी हमने वापस क्या कर लिया गाइस, 7 into क्या किया 5, सो 7 5 35, सो इट वर्क्स परफेक्टली। सो अगर आप भूल गए करें तो 1 2 3 नहीं, ऐसे 10 बार लिख के याद करो, समझ में आया है ना, क्लियर हुआ? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अ फोर्थ ऑप्शन, करेक्ट, हमारा फोर्थ और काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सर्कुलर सेल रेफरेंस। आई होप समझ में आ रहा है एवरीवन, क्या है बोलो, सर्कुलर सेल रेफरेंस। ओके ओके, सो लेट अस पे अटेंशन, सर्कुलर सेल रेफरेंस। फॉर एग्जांपल आई हैव अ रेवेन्यू, क्या है हमारे पास, सो रेवेन्यू मतलब क्या, इनकम, आपकी इनकम हो गई 2 lakhs rupees, करेक्ट, आपकी इनकम कितनी, 2 lakhs rupees, लेकिन इस इनकम के साथ कुछ कॉस्ट भी तो होता होगा, खर्चे,
मान लो आपका एक्सपेंस हो गया 1,15,000, कितना? और अगर ये स्टेज पे मैं बोलता हूं सर आप मुझे बताओ आपका प्रॉफिट कितना हुआ, कैन एनी वन टेल मी प्रॉफिट कितना? सर इक्वल टू ये अपना क्या रेवेन्यू माइनस, दैट्स ऑल, नहीं हुआ क्या? अब ये बंदे ने बोला कि सर मैं चाहता हूं अगर हमारी कंपनी को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट अगर हो रहा है तो सर 10% बोनस दे दो। अरे प्रॉफिट हो रहा है तो यहां पे आ जाता हूं बोनस, इज इट क्लियर? हम बोनस कब देंगे? हम लॉस में है तो बोनस नहीं, प्रॉफिट में है तो बोनस, करेक्ट ना? प्रॉफिट में है तो बोनस। सो अब मुझे बताओ, करेक्ट ना, बोनस कितना हुआ भाई प्रॉफिट का? सो ये अमाउंट 10%, तो क्या ये प्रॉफिट बोनस सही है कैलकुलेशन? अरे बोनस कैलकुलेशन सही है, कैसे सही है? 10% किस पे निकाला? और आप जो बोनस का पैसा दे रहे हो वो आपकी इनकम है या एक्सपेंस है? तो क्या वो बोनस माइनस नहीं होएगा आपके रेवेन्यू में से? थोड़ा सोचो ना, स्टार्ट रीथिंकिंग। क्वेश्चन समझा या नहीं समझा? अगर मैं 85 तब आया इसका मतलब मुझे बोनस कितना था, जब बोनस 0 था तब 85 आएगा, लेकिन अगर बोनस 8,500 आ रहा है इसका मतलब प्रॉफिट 85, नहीं क्योंकि प्रॉफिट में से अभी तक ये लेस नहीं किया। नहीं किया। नहीं समझा? ओके जरा ट्राई करते हैं आप जरा। अरे गाइस क्लियर ना? ओके फिर से कैलकुलेट करता हूं मैं इसको। इक्वल टू 2,00,000 माइनस, ब्रैकेट दिया क्योंकि माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, करेक्ट? ये अमाउंट और प्लस ये अमाउंट अभी नहीं है बट फ्यूचर में तो आएगा। ओके अगर फ्यूचर में ये 1,000 हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट, सर फ्यूचर में 5,000 हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट, अब जो भी फ्यूचर में होगा उसके हिसाब से ये कैलकुलेट हो जाएगा। गाइस क्लियर? सो अब मैं यहां पे चलता हूं बोनस कैलकुलेट करने के लिए। ये तो क्लियर है ना अभी? अब इक्वल टू क्या कर दिया, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 10%, एंटर। अब इसने बड़ा सा लंबा सा एक मैसेज दे दिया कि सर ये जो सेल है वो एक दूसरे के साथ यूटिलाइज हो रहे हैं, दैट इज रिसर्कुलेट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, इंटरकनेक्टेड है वो, इसीलिए इसको बोलते हैं रेफरेंस। क्या बोल रहे हैं? और वो भी सर्कुलर में यूज हुआ है, किसमें? सर्कुलर सेल रेफरेंस। अब मैं इसे क्लिक कर देता हूं ओके, तो ये बोलता है सर आई विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि इसका यूज किया आपने क्या कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट, और आप प्रॉफिट का यूज कर रहे हैं किसके लिए, तो कंप्यूटर ऐसे कैलकुलेशन करता नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो, अगर फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट है सर हम चाहते हैं कैलकुलेट करें, आप चाहते हैं इसका कैलकुलेशन, सो हम जाएंगे किधर, किधर फाइल देन ऑप्शन, और वहां जाने के बाद किधर, और फॉर्मूला में ये सेटिंग कर देता हूं इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन। क्या बोलो? इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन, माय जॉब इज डन नाउ। नहीं समझा? अब जरा कैलकुलेट करो ना ये अमाउंट का 10%। सर ये थोड़ा ज्यादा हो गया ना डेसिमल, तो कम भी कर देता हूं ना डेसिमल, सिखाया ना डेसिमल को कम ज्यादा करना, यस और नो? जरा आप चेक करो ना क्या इसका 10% नहीं है क्या, इतना बात समझ में आ गई क्या? बट ये हुआ कैसे सर? मतलब पहले आपको 85 में से इतना लेस किया और फिर इसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया, बट ये सब इंटरनल काम कर रही है। कैसे काम कर रहे हैं? इंटरनल। नहीं समझा? ओके क्लियर एवरीवन? कहाँ गया था सेटिंग? बोलो, फाइल एंड देन ऑप्शन एंड देन फॉर्मूला एंड देन इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन। क्लियर नाउ? नाउ अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन के पास जिसका नाम है 3D सेल रेफरेंस। क्या नाम? बोलो, 3D सेल रेफरेंस। कुछ डाउट है क्या किसी को? कोई ऐसा है जिसको डाउट है? बोलो। सो नाउ विल गो बैक टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज 3D सेल रेफरेंस। ठीक है, क्लियर? या अदरवाइज फर्स्ट आई प्रिफर्ड
यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस थिंग, पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, करेक्ट ना, फर्स्ट यू ऑल हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस थिंग, अदरवाइज सब मिक्सअप हो जाएगा मीन्स, ठीक है. सो इनिशियली आई प्रिफर्ड लाइक यू हैव टू डू योर प्रैक्टिस, वंस योर प्रैक्टिस इज डन देन विल बिगिन विद द 3D, क्लियर ना. सो जब तक आप अपनी प्रैक्टिस एक बार कर लो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि 3D कैसे काम करता है, अदरवाइज योर बेसिक इज नॉट डन और फिर आगे एडवांस में जाएंगे तो इट्स ऑफ नो यूज. सो गाइज वी हैव डन विथ वॉट रिलेटिव, देन हमने फिर क्या सीखा, एब्सोल्यूट, यस और नो, देन वी हैव लर्न वॉट मिक्स्ड सेल रेफरेंस इज इट, फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, सर्कुलर सेल रेफरेंस, एंड टुमारो विल डू 3D सेल रेफरेंस, कब सीखेंगे, कल, करेक्ट. सो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, इज इट ओके, ओके. सो नाउ इट्स योर ड्यूटी टू डू योर प्रैक्टिस, क्लियर नाउ. सो टिल देन हैव अ ग्रेट